भगवद गीता पर हो रही इस खुली चर्चा में आपका स्वागत है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कृष्ण ने मनुष्य जीवन से संबंधित तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठाया है। कर्म क्या है, कर्म का फल से क्या ताल्लुक है, जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, ऐसे अनेक सवालों के जवाब गीता में मिलते हैं। दीप त्रिवेदी द्वारा की गई करीब 168 घंटे की ये चर्चा भगवद गीता पर की गई अब तक की सबसे लंबी चर्चा है। सो मैं आप लोगों का और हमारे साथ जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब तक हमने भगवद गीता में अर्जुन जो कृष्ण से कह रहा है वह सुना और समझा। शॉर्ट में अर्जुन यह कह रहा है कि कृष्ण ये मेरे भाई बंधु गुरु दादे पोत्र रिश्तेदार हैं और इन्हें मारकर अगर हमें सुख समृद्धि और राज्य मिलता है तो ऐसा राज्य पाना योग्य नहीं है। दूसरी बात वो कहता है कि कृष्ण मैं जो बात कह रहा हूं शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अपने ही कुटुंबी जन को मारकर कोई कभी सुखी नहीं हो सकता। शास्त्रों में लिखा है कि जो अपने कुटुंब पर वार करता है, अपने भाइयों पर, दादाओं और पोतों पर वार करता है, उनके पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। कृष्ण आप तो समझदार हैं और मैंने आपको बता भी दिया कि देखो शास्त्रों में भी यही लिखा है जो मैं कह रहा हूं, अतः हम दोनों को इस युद्ध के मैदान से चले जाना चाहिए। अब अर्जुन ने तो अपनी बात इस तरीके से कृष्ण को कह दी। यहां पर दो बात समझने की है। एक तो अर्जुन की बातों में, अर्जुन के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आया और कोई भी परिवर्तन बगैर फोर्स के नहीं आ सकता। अर्जुन ने जब कहा था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन कौन खड़ा है, तब अर्जुन के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। वह क्लियर था कि दुर्योधन मेरा शत्रु है, दुर्बुद्धि है और कौरवों का विनाश करना है, उन्हें मारना है, सिर्फ उनकी शक्ति का ठीक ठीक असेसमेंट कर लूं ताकि पता चले मुझे युद्ध किस तरह से करना है। लेकिन जैसे ही उसने सेना देखी, जैसे ही उसने स्पेस में द्रोण को देखा, भीष्म को देखा, कर्ण को देखा, अश्वत्थामा को देखा और इतनी बड़ी विशाल सेना देखी तो अर्जुन डर गया। अब यहां एक चीज समझना कि जो भीतर है वो बाहर प्रकट होता है। अर्जुन ने जब
अर्जुन ने जब कृष्ण से कहा था कि मेरा रथ खड़ा करो, उस समय उसके कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियसली उसके मन में कोई भय नहीं था। लेकिन विशाल सेना देखी, इतनी बड़ी स्पेस देखी, तो उस स्पेस ने अर्जुन के टाइम पे यानी मन पे असर करा। जो उसके भीतर गहराई में छिपा हुआ भय था वो बाहर निकल आया। अतः एक बात समझ लेना कि बाहर की परिस्थिति हमारे मन को प्रभावित करती है और हमारा मन बाहर की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। अर्जुन के भीतर गहरे में कहीं भय था जो स्पेस देखकर प्रकट हुआ। अगर अर्जुन के भीतर भय नहीं होता तो कितनी भी विशाल स्पेस देख ले वो प्रकट नहीं होता। ये एक छोटी सी बात मैंने आपको समझाई, क्योंकि लास्ट टाइम एक भाई ने इसके आसपास क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्वेश्चन बराबर वो पूछ नहीं पाया था। तो अगर क्राइस्ट के भीतर भय नहीं है तो स्पेस में चाहे सुली पे लटका दे, चाहे कीले ठोक दे, वो भय बाहर नहीं आएगा। स्पेस टाइम को प्रभावित तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ गहराई में छिपी बातें बाहर निकालता। अगर टाइम में नहीं है, हमारे मन में भय नहीं है, तो वो बाहर नहीं आ सकता। अब सवाल ये उठता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये उठती है कि अर्जुन जो कह रहा है वो करीब करीब युगों से सारे शास्त्र, सारे धार्मिक और सामाजिक लोग कहते आ रहे हैं। अर्जुन जो कह रहा है उसमें हर व्यक्ति मानता आ रहा है कि भाई हिंसा पाप है, किसी को मारकर राज्य लेना, अपने वालों को मारकर राज्य लेना, और फिर शास्त्रों के खिलाफ है। जब शास्त्रों में ही लिखा है कि ये पाप है तो उसके बाद में कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। और अर्जुन को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मैंने कृष्ण को अच्छे से कन्विंस करा दिया है, अब कृष्ण मुझे लेकर सीधे मैदान के बाहर चले जाएंगे। लेकिन एक बात समझना, भगवद गीता को ठीक से वाकई समझा नहीं गया, और उसका एकमात्र कारण है कि जिसने भी पढ़ी, जिसने भी समझने की कोशिश करी सदियों से, चाहे कोई भी हो, उसने प्री ऑक्यूपाइड माइंड से पढ़ी। दूसरी बात, कृष्ण इकलौते हैं, नवीन है, एकमात्र पूर्ण अवतार कहते हैं। उनके गुणों को, उनके कर्मों को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी साइकोलॉजी को बगैर समझे हर व्यक्ति ने गीता में से जो सुन रखा है, जो समझ रखा है, जो शास्त्र कह रहे हैं उसके आसपास लाने की कोशिश करी। गीता कोई शास्त्र नहीं है, किसी ने कह नहीं दिया है, जैसे कबीर के दोहे या लाओसे के सूत्र या वेद, उपनिषद या बाइबिल, किसी ने कह नहीं दिए कि जो मर्जी आई कह दिया, बात समाप्त। ये तो बातचीत है दो आदमी की, बड़ा फर्क समझना, ये दो आदमी की बातचीत है। लेकिन इस बात को किसी ने समझा नहीं, कृष्ण के वाक्य उठा उठा कर उसका वर्णन करते। कृष्ण कोई वाक्य कह नहीं रहे हैं, अर्जुन जो पूछ रहा है कृष्ण उसका जवाब दे रहे हैं। तो अर्जुन पहले नंबर पे है, कृष्ण दूसरे नंबर पे है। और ये बात अगर गीता समझनी है तो अच्छे से जहन में बिठा लेना, अगर अर्जुन की जगह दुर्योधन होता तो सवाल भी अलग हो जाते, जवाब भी अलग हो जाते। अगर भीम होता तो भी बात बदल जाती, और ऐसे ही भले ही अर्जुन होता लेकिन सामने महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट या कबीर होते
तो भी ये बात बदल जाती। इस छोटी सी बात को आप जहन में रख लीजिए, ये कृष्ण है और ये अर्जुन है और दो व्यक्ति की बातचीत है, और दोनों को पूरी तरह से पहचाने बगैर गीता नहीं समझी जा सकती। सो अर्जुन ने अपनी बात कह दी। अगर कोई सामान्य शास्त्रों में मानने वाला व्यक्ति होता, अगर कोई सामाजिक चीजों में मानने वाला व्यक्ति होता, तो अर्जुन को धन्यवाद देता कि तुमने मेरी आंख खोल दी, वरना मैं भी फंसा था यहां मोह माया में। अगर महावीर होते तो शायद खुश हो जाते। अगर बुद्ध होते तो भी काफी हद तक शायद कन्विंस हो जाते। लेकिन ये कृष्ण थे, और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या कहा, पहला वाक्य, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उससे समझ में आता कि कृष्ण का व्यक्तित्व क्या है, कृष्ण की सोच क्या है, कृष्ण की साइकोलॉजी क्या है, कृष्ण का जीवन क्या है। ये थोड़ा सा फर्क समझ लेना। अर्जुन ने कहा, लेकिन किससे? अगर मुझसे पूछा जाए तो संसार के सबसे कठिनतम आदमी से उसने ये बात कही, और इसीलिए अर्जुन वहां युद्ध के मैदान में रह गया। सो कृष्ण ने जब अर्जुन की बात सुनी तो सबसे पहला जो वाक्य कहा, उससे हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन ने यह वचन कहा। संजय कह रहे हैं कि उस प्रकार करुणा से व्याप और आंसुओं से पूर्ण, अर्जुन की मनोदशा समझना, करुणा से व्याप और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त दुख के भंवर में डूबे अर्जुन से मधुसूदन ने यह कहा, हे अर्जुन, कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किसे तू प्राप्त हुआ? कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय यह मोह किसे तू प्राप्त हुआ? क्योंकि यह तो न श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है, न कीर्ति को कराने वाला ही है। कृष्ण कृष्ण है। इस एक वाक्य में कृष्ण ने बता दिया कि वो किस चेतना के मालिक है, किस ऊंचाई पर बैठे हैं, क्यों ज्ञानी उन्हें मनुष्य जाति का एकमात्र पूर्ण अवतार, अ कंप्लीट मैन कहते हैं, जिसमें कुछ भी कमजोरी नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुझे असमय में यह मोह किसे तू प्राप्त हुआ? यानी पहली बात तो स्पष्ट हो गई कि कृष्ण अर्जुन की किसी बात से राजी नहीं है। और सबसे ऊंची बात जो कृष्ण ने कही, वो असमय शब्द अच्छे से समझ लेना। कृष्ण ने कहा कि तुझे असमय में यह मोह किसे तू प्राप्त हुआ? इस एक वाक्य में कृष्ण ने मनुष्य की तमाम मान्यताओं को, समझ लेना, इस पहले ही वाक्य में कृष्ण ने मनुष्य की तमाम मानसिकता को, तमाम मान्यताओं को, तमाम उसके धर्म और शास्त्रों को भस्मीभूत कर दिया। कृष्ण
असमय में मोह से कहना चाह रहे हैं स्पष्ट है कि अर्जुन, सवाल किसी को मारने या नहीं मारने का नहीं है। सवाल युद्ध करने से तुझे क्या मिलता या नहीं मिलता उसका भी नहीं है। सवाल शास्त्रों में क्या लिखा है उसका भी नहीं है। तू ये तेरी गलतफहमी दूर कर ले कि हिंसा से तू भागेगा तो बड़ा शुभ कर्म कर रहा है। तू ये तेरी गलतफहमी दूर कर ले कि तू किसी को मार रहा है तो बहुत खराब काम कर रहा है। तू ये तेरी गलतफहमी दूर कर ले, क्योंकि असमय में कुछ भी पकड़ा है वो मोह है। कृष्ण कह रहे हैं कि सवाल कृत्य का है ही नहीं। तुम क्या कर रहे और क्या नहीं कर रहे उसका तो सवाल ही नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, सारे शास्त्र, सारे धर्म, सारे ज्ञानी एक ही बात कहते, ये करना अच्छा और ये करना बुरा, ये पाप और ये पुण्य। कृष्ण कह रहे मेरे भाई उसका तो सवाल ही नहीं है अर्जुन, सवाल समय का है कि किस समय पे तू क्या कृत्य कर रहा है। अगर समय गलत चुना, गलत समय पे अगर तू गलत कार्य कर रहा है तो उसको मोह कहते हैं। बड़े ध्यान से समझना, कितनी ब्यूटीफुल परिभाषा दे दी कमाल की, कि सवाल ना मरने का है ना मारने का है, सवाल ना संन्यास का है ना हिंसा का है, सवाल एक ही है कि ये सारी बातें तू किस समय कर रहा है। और पूरे जीवन में धर्म का वास्तव में क्राइटेरिया समय का है। थोड़ा सा समझना आप इस बात को, डे टू डे में भी समझना कि गलत समय पे गलत कार्य मोह है और सही समय पे सही कार्य परमात्मा का कार्य है। ये दो ही बारीक भेद हैं। फिर उसमें एबीसीडी नहीं है कि ये करना है ये नहीं करना, उसका सवाल नहीं उठता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे भाई ये कोई समय है जो तू बातें कर रहा है? अरे ये बातें करने के लिए 40 साल समय था तेरे पास, जब तू राज्य चाह रहा था, जब तू रोज रोज कौरवों से झगड़ रहा था, जब उनको मारने के लिए बेचैन था, वो सारा समय था ये बात करने का। उस समय ये बात करता तो मुझे अच्छा लगता। बड़े ध्यान से समझना, बात ये कि यही है लेकिन सवाल टाइमिंग का है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही बात तू ये युद्ध समाप्त हो जाने के बाद कहना। तू जीत जाए, तुझे राज्य मिले, तब मुझसे कहना कृष्ण इस राज्य में क्या रखा है, तब भी वो समय मानूंगा तेरा, तब भी तेरी बात मान लूंगा। लेकिन आज जिस मौके पे तू कह रहा है ये बात मैं नहीं मानता, ये असमय है। समझना इस बात को। तो कृष्ण का वाक्य एक बार फिर सुन लेना, कमाल की चेतना है, स्पॉन्टेनियस है। उनको एक क्षण पहले नहीं मालूम था कि ये इतना उत्साही अर्जुन 40 सालों से जिस घड़ी का इंतजार कर रहा है, इतना बड़ा धनुर्धारी है और अभी कह रहा है उत्साह में कि रथ खड़ा करो मेरा, और वो ऐसी बातें करेगा। लेकिन चेतना की हाइट पे कृष्ण जीते, पहला वाक्य कहते कि तुझे असमय में यह मोह किसे तू प्राप्त हुआ। दरअसल मनुष्य जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख, इतनी असफलता है तो उसका एकमात्र कारण है कि उसे साइकोलॉजी की ऊंचाई का, धर्म की ऊंचाई का पता नहीं है। 3-4 रोज पहले की बात है, महान संगीतकार रविंद्र जैन जी का निधन हो गया। अब माँ बाप की सेवा करना अच्छी बात है ना? अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो लड़के को वहां पहुंचना ही चाहिए, बराबर बात है। लेकिन समय इन दोनों कार्यों को रोक सकता है, समझ लेना। ये अच्छी बात है, बस
यही तो हम फंस जाते, ये बुरी बात है, यही तो हम फंस जाते। रविंद्र जैन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया था कि उनकी पहली फिल्म का पहला गाना तय था 20 तारीख को लता जी के साथ रिकॉर्ड करना है। बड़ी मुश्किल से लता मंगेशकर की डेट मिली थी और उसी दिन उनके फादर का निधन हो गया। अब चॉइस क्लियर थी, या तो गाना रिकॉर्ड कर ले या फादर की अंतिम यात्रा में चले जाएं। रविंद्र जैन ने गाना रिकॉर्ड करा, वे रविंद्र जैन हो गए। अब उस समय समझ लेना, उस समय पकड़ा मोह, कृष्ण राजी नहीं होंगे, धर्म राजी नहीं होगा, प्रकृति राजी नहीं होगी, हाथ में कोई बड़ा पॉजिटिव कार्य है और आप कह रहे हैं कि यह जरूरी है। सीधी बात क्यों नहीं समझते कि आपका शरीर एक बार में एक जगह रह सकता और पूरा मनुष्य जाति का इतिहास उठा के देखना। मैं बार बार ये कहता हूं, जितने भी सफल हुए हैं, 5,000 हो कि 50,000 हो, वे कृष्ण के मार्ग पे चले हैं। कोई भी हो, चाहे गीता पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, चाहे कृष्ण का नाम सुना हो चाहे न सुना हो, लेकिन कृष्ण जिस साइकोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं यहां पर, जो बात कह रहे हैं, जिस गुण पर अटैक कर रहे हैं, वो उनके मन में क्लियर है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तुझे असमय में यह मोह किसे तू प्राप्त हुआ। अब दूसरी बात समझना, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। एक बैट्समैन है, 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है, टीम में चुन लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच है, ओपनिंग बैट्समैन है, हाथ में बैट लेके खड़ा है और सामने से लिली दौड़ते हुए आ रहा है, पिच बाउंसी है और वो एकदम हाथ ऊपर करता और कहता मैं तो रिटायर्ड होना चाहता हूं, मैं तो रिटायर्ड होना चाहता हूं बोले। अरे तो मेरे भाई, ये मैच शुरू होने के पहले भी हो सकता था, अब तो टीम में है, तो क्या तेरी टीम 10 आदमी से खेलेगी? अच्छा कोई बात नहीं, आखिरी मैच है, फिर रिटायर्ड हो जाना, कोई दिक्कत थोड़े ही है। लेकिन ये कोई समय है? लिली को देख रहे हो, पीच को देख रहे हो, डर रहे हो और कह रहे हो मैं तो रिटायर्ड हो जाऊंगा, ये तो बात नहीं हुई। दूसरी बात समझना, ये तो बाहर की बात हुई, पूरी मनुष्य जाति परेशान है, सदियों से सदियों से युगों से किसी मनुष्य के दुख दर्द दूर नहीं हो रहे हैं, किसी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर कार्य असमय कर रहा है। ये तो बाहर युद्ध की बात हुई, ये तो स्पेस के समय की बात हुई, मनुष्य के अपने मन का समय है। थोड़ी इस बात को समझना, इस बात को बड़ी गहराई से समझना, बड़े अच्छे से समझना। इस चीज का ध्यान न रखने के कारण हर मनुष्य बेचैन है, परेशान है, दुखी है। अगर मैं सन्यासियों की बात करूं, सन्यास लेने का भी भीतर एक समय होता है ना, सन्यास अच्छे बुरे की चर्चा में नहीं जाता मैं। अब सन्यास का अर्थ क्या होता है? सन्यास का अर्थ होता है कि मुझे बाहर की कोई चीज अब प्रभावित नहीं करती, मेरी खुशी बाहर से कुछ मिले उस पर डिपेंड नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर परिभाषा कहूं तो ये आपका समय ऐसा होना तो चाहिए। बड़े ध्यान से समझना, अगर मेरा समय ऐसा है ही नहीं और सिर्फ बीबी ने परेशान कर रखा है और मैं कहूं मैं तो जाऊंगा, तो फिर क्या होगा? फिर बड़ी गड़बड़ होगी।
फिर दिन में पकड़े जाओगे, रात में पकड़े जाओगे, वहां जाके भी आश्रम बनाओगे, शास्त्र लिखोगे तो भी उर्वशी मेनका आएगी। आप समझते क्यों नहीं हो? आज समय है, भीतर का समय नहीं है और आप ले रहे हैं, भीतर का समय नहीं है और आप मंदिर जा रहे हैं। चलो शुक्रवार को नमाज पढ़ना बड़ी अच्छी बात होगी, वो सोमवार को मंदिर जाना अच्छी बात होगी, कहीं चर्च जाना अच्छी बात होगी। अरे मैं कहता हूं सबसे पवित्र बात है, छोड़ना ही मत। बच्चा बीमार हो जाए, मरने को पड़ा हो, लेकिन 11 बजे मतलब 11 बजे पहुंच जाना। आप बोलेंगे पागल हूं क्या, तो वही तो कृष्ण कह रहे हैं, समय तो देखो क्या पवित्र और क्या नहीं, क्या अच्छा और क्या नहीं, ये समय तय करेगा। हमारे समय में ही नहीं है और सबके सब संन्यास में जा रहे हैं। अरे जब समय में संन्यास होता तो महावीर जैसा होता। जब महावीर के मन में विचार आया कि छोड़ो राजमहल, छोड़ो पत्नी, कुछ नहीं रखा है, मुझे तो संन्यास लेना है, ये संन्यास आया। वो असमय नहीं था, लेकिन घर वालों ने रोका, कितना बड़ा राज्य, तू कहां जाएगा? महावीर ने बोला मुझे राज्य चाहिए नहीं, धन चाहिए नहीं, परिवार चाहिए नहीं, मुझे संन्यास चाहिए। तो माता पिता ने बोला कोई बात नहीं, हम कितने दिन के मेहमान, हम चले जाएं फिर चले जाना। महावीर ने बोला कोई बात नहीं, रहे तो राजमहल में, लेकिन संन्यास घट गया तो न लेफ्ट देखे न राइट देखे, जावे और आवे, किसी को पता ही ना चले कि जिंदा है भी कि नहीं। माँ बाप गए तो भाई ने रोका, आखिरी में पत्नी ने कोशिश करी, लेकिन फिर सबने देखा कि ये है नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जाने दो। तो जब ऐसा व्यक्ति जाता तो कुछ पाता। ये जितने जा रहे हैं ये ज्यादा दुखी हैं, समझ लेना आप इस बात को। तो कृष्ण जब कह रहे हैं कि असमय अर्जुन, न तो बाहर समय है न भीतर समय है, तेरे भीतर आज भी राज्य चाहिए, तेरे भीतर आज भी कौरवों को मारने की इच्छा है, तेरा भीतर तेरा समय कुछ नहीं बदला है, तू सिर्फ भय के मारे ऊंची ऊंची बातें कर रहा है। न भीतर समय बदला है न बाहर समय बदला है, और तू मोह की बातें कर रहा है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाएंगे, और कोई दक्षिणा दे देता है तो तुरंत रख लेते हैं, हैं? अरे छोड़ो इन बातों को। तो कोई भी काम, मैं आपसे कह रहा हूं आप समय मत करना, फंस जाएंगे। कोई भी काम, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, जो मेरे भीतर है उसमें मैं जी रहा हूं, उसमें क्या पाप हो गया, क्या बुराई हो गई, लेकिन आपके कहने पे छोड़ूंगा तो जीवन भर तड़पूंगा और उस चीज को डबल से पकड़ूंगा, यह समय है। तो कृष्ण बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे भीतर हिंसा है, तेरे भीतर शत्रुता है, तेरे भीतर सब कुछ है, तू मुझे घुमाने की कोशिश मत करना, है ना। और जो कृष्ण कह रहे हैं वो सिद्ध हुआ है, वो स्वयं सिद्ध है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद में अर्जुन ने एक बार नहीं कहा कि राज्य में क्या रखा है, प्रश्न ही नहीं उठता। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, एक हस्तिनापुर क्या मिला, सारे के सारे पांडवों को चक्रवर्ती सम्राट बनने की सूझी, और हजारों लोगों की हत्याएं करी, तब नहीं सूझा कि अरे ये तो हिंसा है। और फिर सबसे बड़ी बात है, तू अब भी क्या कह रहा है, बहाना क्या कह रहा है कि मेरे रिश्तेदार मरेंगे, क्यों बाकी इंसान नहीं है, हैं? तेरे भीतर कौन सी हिंसा, हिंसा प्रेम करुणा कुछ भी नहीं है, तो डर गया है और फिर मोह वाली बात कर रहा है। कृष्ण कह सकते कि उन्हें मारने में रस नहीं है और कृष्ण को बिल्कुल मारने में रस नहीं है। कृष्ण ने एक बार मथुरा में
जरासंघ से आमने सामने का युद्ध किया था और देखा कि यार बेकसूर सिपाही मरते जिनका कोई दोष नहीं। राज्य पाना राजा को, अहंकार राजा का और सिपाही मरते। उस दिन के बाद कृष्ण ने एक बार, एक दिन कभी भी दो सेना का युद्ध नहीं किया। जब भी गए, जिसको मारना जरूरी हुआ, अच्छे से समझ लेना, जिसको मारना जरूरी हुआ पूरी जान की बाजी लगा के किसी तरह से उसे अकेले में पकड़ के धोया, मारा, खत्म किया। लेकिन दो सेनाओं की फाइट नहीं की। ये कृष्ण तो कह सकते कि यार ये खराब चीज है, तू महाराज कैसे कह रहा है? ये सब शास्त्रों की, सन्यासियों की, समाज की यही बातें हैं। सो मेहरबानी करके आपको गीता समझनी है तो आप ब्लैंक हो जाइए। कृष्ण कह रहे हैं कि करने और न करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल पैदा होता है होने और नहीं होने का। बड़ा बारीक फर्क है, बड़ा बारीक फर्क है, समझ लेना। सवाल यह है कि जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए। फिर शास्त्र क्या कहता, समाज क्या कहता, धर्म क्या कहता, मान्यता क्या है, शुभ है अशुभ है, इसका सवाल ही नहीं है। जो होना चाहिए वो होना चाहिए। अभी घर में गुंडा घुस आया तो उसे अहिंसा का उपदेश नहीं दिया जा सकता। जो होना चाहिए वो होना चाहिए है। दाऊद को पकड़ के लाओगे, पुलिस गुंडों को पकड़ के ले जाएगी और बोलेगी कि मैं तो जैन हूं साहब, मार नहीं सकता, तो गुंडा धो देगा उसको, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। अगर गारंटी है कि तुम मुझ पर हाथ उठाने वाले ही नहीं हो तो बात ही समाप्त हो गई। तो सवाल यह नहीं है, सवाल यह है, कृष्ण कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए। जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा की जितनी भी ABCD है कि ये करो ये मत करो, ये अच्छा ये बुरा, ये सारा का सारा भ्रम है। और एक चीज और समझ लेना, अगर संसार में मनुष्य इतना बेईमान और बदमाश है, अगर वो इतने संकट में है, तो उसका एकमात्र कारण ये शास्त्रों की, धर्मों की, समाज की शिक्षा है कि ये अच्छा ये बुरा। और कोई भी अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, ये एस्केपिंग रूट है ना, जो अर्जुन ले रहा है। अर्जुन भी यही कह रहा है, अर्जुन भी यही कर रहा है। शास्त्रों में लिखा है, लिखा होगा। पहली बात तो शास्त्र लिखते कौन है, हजारों ऋषि मुनि लिखते रहते, जिसकी जो समझ में आया लिख देते, उसी को हम शास्त्र कहते। गीता तो हमको मालूम है कि कृष्ण ने कही, हम जानते। अब शास्त्र में जो लिखा है वो तो अर्जुन 40 साल से जानता है और फिर भी भाइयों से झगड़ रहा है, लेकिन आज लिखा हुआ उसको कन्विंसिंग लग रहा है कि भागने में उपयोगी है, समझ लेना। एस्केपिंग रूट देते ये जितने भी शास्त्र हैं, ये जितने भी समाज है, एस्केपिंग रूट देते, और कुछ भी नहीं है। सबको मालूम है कि ये बुरा ये अच्छा, ये बुरा ये अच्छा, करते वक्त कोई नहीं देखता है ना। अगर वो बुरा करता तो कहता परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन बात मतलब की निकल आए, बात फायदे की निकल आए तो 10 बार कोट करता, यहां पे लिखा इसलिए नहीं कर रहा हूं। जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी बातें हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि ये करना और ये ना करना की जो भी बातें हैं वो आपको एस्केपिंग रूट देती है। बात तो बड़ी छोटी है अर्जुन की, जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, बस। और जो भीतर हो, एक चीज और समझना, कृष्ण को बेईमानी इतनी भी पसंद नहीं, उनको पूर्ण कहते, बहती गंगा कहते, जिसमें मिलावट ही नहीं है। 1% की आपको जगह नहीं देंगे और आप जगह लेंगे तो कृष्ण में, गीता में समा नहीं पाएंगे, इतनी भी जगह नहीं है। जो नहीं होना चाहिए बड़े अच्छे समझ लेना, वो नहीं ही होना चाहिए।
और जो होना चाहिए वो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो भी होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं इसी श्लोक में, ये श्लोक एक बार फिर पूरा पढ़ता हूं क्योंकि अपने दिमाग में इस श्लोक को बार बार बिठा लो तो आपको समझ में आएगा कृष्ण किस व्यक्तित्व के, किस चेतना के मालिक हैं। कृष्ण ने ये जो पहला वाक्य बोला, मैं मनुष्य जाति के इतिहास में किसी को नहीं देखता जो इतना सटीक स्पॉन्टेनियसली तुरंत अर्जुन को बोल रहे हैं सटीक कि तुझे असमय में यह मोह किसे तू प्राप्त हुआ, इस चीज का तो समय ही नहीं है। और जिस चीज का समय नहीं है, मोह की परिभाषा दे दी कि जिस चीज का समय नहीं है वो आप कर रहे हैं वह मोह है। बड़ी ही सिंपल बात, मोह क्या है? जिस चीज का समय नहीं है और हम कर रहे हैं। पचासों काम है, धंधा टॉप पे है और हज पे जा रहे हैं। जब धंधा फ्लॉप हो जाए, धंधे में मंदी आ जाए, चले जाना। बड़े ध्यान से समझना, समय है बस, जाना न जाना। और फिर धंधा चल ही रहा है, अगर आप कमा ही रहे हैं तो हज पे या चार धाम जाने की जरूरत क्या है? उसी पैसे से हजारों का भला कर दो, चार धाम ही आ जाएगा, जरूरत क्या है? कोई कमाना पाप है? कोई पैसा पाप है? क्या बात करते हैं? ये तो जाल फैला दिया गया और टॉप पे आके बैठ गए कि हम धर्म वाले सबसे ज्यादा जानते। अरे तुम कुछ कमाना भी नहीं जानते, ज्यादा क्या जानते हैं? दो रोटी अपने पैसे की खाना नहीं जानते, तुम ज्यादा क्या जानते? कुछ ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा कृष्ण जानते। लेकिन गीता सही तरीके से पढ़ो समझो तो गोदरेज की दुकान भी चलेगी, सब जगह ताले लग जाएंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किसे तू प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति कराने वाला ही है। अब दूसरी बात कृष्ण कह रहे हैं कि तेरी सब बात सुन ली मैंने, तुमने कहा कृष्ण कि हम लोग समझदार होके भी पाप हेतु रेडी हो गए। तुमने मुझसे कहा कि शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा है और ये युद्ध गलत है, इनको मारना गलत है, और तू ये कह रहा है कि कृष्ण मैंने तुम्हारी आंख खोल दी, अब मेरी बात सुन, तू जो कुछ भी कह रहा है ये किसी भी श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण नहीं है, तेरी सारी गलतफहमी दूर कर ले। वेरी सेकंड सेंटेंस, कितना सटीक, कितना परफेक्ट, जो अर्जुन का गुमान था अपने पे सब पानी पानी कर दिया। एक तो तुझे असमय में यह मोह पकड़ा और तू जो कुछ भी कह रहा है कर रहा है वो रत्ती भर श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है, श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करते, अतः तू श्रेष्ठता का गुमान भी अपने दिमाग में से निकाल दे।
कि तू श्रेष्ठ है, तू समझदार है, या तू जिन शास्त्रों की दुहाई दे रहा है उनमें से कोई भी कृष्ण के सामने टिकेंगे ये तू मत सोच। ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित कृत्य नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। तू ये सोच रहा है जो सन्यासियों की बात सुनता है, जो शास्त्रों की दुहाई दे रहा है कि अगर इनको नहीं मारूंगा छोड़ दूंगा है ना तो स्वर्ग मिलेगा, तो तेरा यह कृत्य स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। और अंत में कृष्ण जबरदस्त गुगली फेंक रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से समझ लेना। डे टू डे लाइफ में कृष्ण की हर बात बड़ा काम आएगी, क्योंकि कृष्ण का जीवन बड़ा ही सीधा और साफ है। कृष्ण को किसी चीज से इनकार नहीं है, इनकार होने का प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने ये जिया है, ये बात समझ लेना। कोई भी कुछ भी कह रहा है तो ये उसका जीवन है, ये उसके जीवन का अनुभव है जो उन्होंने जिया है। अगर बुद्ध कुछ कह रहे हैं तो ये बुद्ध के जीवन का अनुभव है। अगर महावीर कुछ कह रहे हैं तो ये महावीर के जीवन का अनुभव है। और आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि महल में वो सुख नहीं था जो हमको यहां है। अगर आप कृष्ण से पूछेंगे तो कृष्ण कहेंगे कि देखो मजा तो वृंदावन में भी पूरा था है ना, लेकिन द्वारका द्वारका है। सो ये कृष्ण का अनुभव है। कोई कुछ भी कह रहा है वो उसका अनुभव है। तो कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हैं उन्होंने अंतिम जीवन जिया है, और उनको जय श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अगर आप उनका जीवन पढ़ेंगे तो उनके जीवन में मिनिमम 50 से ऊपर बार वो ऐसी जगह फंसे हैं जहां यह तय हो जाता है कि अब यह व्यक्ति 10 मिनट से ऊपर जीवित नहीं रहेगा। लेकिन ये जय श्री कृष्ण है वहां से भी निकल आते और डबल मजबूत होकर आते। सो कृष्ण जितने की कला सिखाते, कृष्ण के उसमें हार है ही नहीं, नतमस्तक नहीं है कि कोई आया मारने को और मेरे को तो युद्ध करते नहीं आता तो फिर मरना पड़ेगा। कृष्ण को हार पसंद नहीं है, कृष्ण ये सिखाते ही नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना, कृष्ण ये सिखाते ही नहीं है। तो जैसी कृष्ण बनने की कला कृष्ण सिखाते हैं, डे टू डे लाइफ में कैसे जीतना ये कृष्ण सिखाते हैं, कहीं पे भी नहीं हारना। हार क्यों, हम मनुष्य हैं, हमें जीना है, और जीना है तो जीतना है। हर हार कस दे रही है, पत्नी से हार जाओ वहां तक ठीक है ना, लेकिन बाकी कोई भी हार जीवन में कष्ट है। हम हारे क्यों, हम झुके क्यों, क्यों, कोई कारण तो होना। सिर्फ इसलिए कि हमारे में घट्स नहीं है, हम में कला नहीं है, हम में शक्तियां नहीं है। तो कृष्ण उस सिस्टम को ठुकराता कि सब कुछ है, तुम उजागर नहीं कर रहे, तुमने बाहर की स्लीपिंग पिल्स ले लेके अपने को मार डाला है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, टेक इट इजी, कुछ नहीं हुआ। वे अर्जुन से भी ये कह रहे कि तू व्यर्थ ये सब काम कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। और अंत में कह रहे हैं, जो अंत में कह रहे हैं वो वाक्य अपने जहन में बिठा लेना, डे टू डे में बड़ा काम आएगा। उन्होंने अर्जुन से स्पष्ट कर दिया कि ये तेरा मोह है क्योंकि असमय है, ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित भी नहीं है, ये स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। और अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि ये कीर्ति देने वाला भी नहीं है। अब अर्जुन ने तो कीर्ति की बात करी नहीं थी, बड़े ध्यान से समझना। अब ये कृष्ण का साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक है। अर्जुन ने कीर्ति की बात नहीं करी थी, पहली तीन बात समझ में आती, उन्होंने अर्जुन को जवाब दिया, और चौथी बात जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, तो अर्जुन डरा हुआ है। तो उपाय क्या, उपाय एक ही कि इसको नया डर पकड़ा दो है ना। कोई भी डरा व्यक्ति है
आप ये मत समझना उसे हिम्मत देके काम निकाल लोगे आप, मुश्किल पड़ेगी, वो आपको भी डरा देगा। वो काम एक ही कंडीशन में करेगा, उसको बड़ा डर दिखा दो। वो बोलेगा अच्छा वहां 5 चाटे पड़ेंगे, नहीं ये 2 ठीक, वो राजी हो जाएगा। ये डे टू डे साइकोलॉजी है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कीर्ति कराने वाला नहीं है, है ना, बड़ी बदनामी होगी तेरी, तू तो भाग जाएगा। सब बोलेंगे डर के भाग गया, अपने आप को धनुधारी समझता था, सोच ले प्यारे, है ना। ये बात डरने की, ये भी सोचना पड़ेगा, अर्जुन ने वो चीज सोची नहीं थी, कृष्ण ने फूल जड़ी छोड़ दी, है ना। बड़े ध्यान से समझना, अब इसका सत्य से लेना देना नहीं है, ये साइकोलॉजी से लेना देना है। जब दो आदमी बातचीत करते तो उसमें 3 सत्य शामिल होते, बड़े ध्यान से समझना। एक सनातन सत्य जो कृष्ण ने पहले वाक्य में कहा कि असमय मोह नहीं होना चाहिए, यह सनातन सत्य है। दूसरी बात जो कही, यह समय का सत्य है कि भाई यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचित नहीं है जो तू कर रहा है। अब कंडीशन चेंज हो जाए और कोई ऐसा ही कहे तो कृष्ण का वाक्य बदल जाए। और अंतिम जो कहा वो व्यक्तिगत सत्य है कि यह डरा हुआ आदमी है, इसको बड़ा डरा दिया जाए। बाकी कृष्ण को कीर्ति से कुछ लेना देना नहीं है, है ना। कृष्ण को बाहर की कोई चीज असर ही नहीं करती। आप बोलो और आप बोलते चले जाओ कि यार तुमने वचन दिया था हथियार नहीं उठाऊंगा, और कृष्ण कर क्या रहे हो, कृष्ण तुम्हारी सुनेंगे नहीं, है ना। तो कृष्ण को कीर्ति से कुछ लेना देना नहीं है। कृष्ण का कोई ऐसा एक कार्य नहीं है जो उन्हें कीर्ति दिलवाए, उनके सारे कार्यों ने जीवन भर भी बदनामी दिलवाई, और आज भी जिन्हें करना है बेचारे कृष्ण के नाम पे करते, और जिन्हें कृष्ण को नीचा दिखाना है वो उन पे उंगलियां उठाते। कृष्ण का एक कार्य ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी पड़ी है, ये कृष्ण का काम नहीं है। लेकिन अर्जुन को तो कीर्ति की पड़ी है, तो एक फूलझड़ी छोड़ रहे हैं कि और ना कीर्ति को कराने वाला ही है। अब ये पहला एक वाक्य 3 लाइन का, और उससे आप समझ लीजिए कि अभी हमें आगे बढ़ना है तो किस व्यक्ति के साथ बढ़ना है। वो आपको इतनी भी जगह नहीं देंगे जहां से आप बेईमानी, बदमाशी, मिलावट, मिलावट का काम ही नहीं है। आप कृष्ण को छोड़ दीजिए, आप चाहे जहां चले जाइए मिलावट हो जाएगी, आप गर्व से भर जाएंगे कि हम ठीक हैं। कृष्ण के सामने जब तक आप पक्के में ठीक नहीं होंगे, आप ठीक नहीं कहलाएंगे। ये बात बड़ा स्पष्ट समझ लेना, क्योंकि रत्ती भर मिलावट कृष्ण बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ये वाक्य मैं एक बार फिर बोलता हूं ताकि कृष्ण की चेतना कि ऑन द स्पॉट युद्ध के मैदान में अर्जुन की इतनी लंबी और कन्विंसिंग बात जिससे बड़े बड़े लोग कन्विंस हो जाए, उस बात में पहला वाक्य जो व्यक्ति ऐसा बोल सकता है उससे बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता, उसकी शरण में चले जाएं, सब उद्धार हो जाएगा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति कराने वाला ही है। ब्यूटीफुल। अब आगे कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित जान नहीं पड़ती। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परमतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ब्यूटीफुल। यहां पे भी दिक्कत है, सामने नगाड़े बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, समय है नहीं, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं देख भाई, तुमने जो बात कही ना उसका लंबा चौड़ा पोस्टमार्टम कर सकता हूं, है ना, तेरी हर बात में तेरी हालत ऐसी कर सकता हूं कि तू जवाब देने लायक ना बचे।
लेकिन 100 बातों की एक बात समझ ले कि हमारे पास समय नहीं है, न समझने का, न समझाने का, न बहस करने का। इसलिए एक शब्द में कहता हूं कि तू नपुंसकता को प्राप्त हो गया है, फुल स्टॉप। इसे कोई डिस्कस आगे मत करना, तेरे कोई लॉजिक आर्ग्यूमेंट मत लाना, तू डर गया है। अरे धनुर्धारी, ये तेरे को शोभा देता है? हैं? तेरे को ये शोभा देता है कि तू डर गया है? स्पष्ट रूप से कृष्ण ने एक लाइन में अर्जुन की मनोदशा अर्जुन के हाथ में रख दी और कह रहे हैं कि हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और गीता समाप्त हो गई। बड़े ध्यान से समझ लेना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कृष्ण कह रहे हैं कि तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, यह वाक्य सब कुछ कह गया। कृष्ण को कोई रस अर्जुन को ज्ञान देने में नहीं है, बड़े ध्यान से समझ लेना। ये भी लो भाग लाते, कृष्ण को अर्जुन को ज्ञान देना था। कृष्ण की ऐसी तो क्या मजबूरी है कि उन्हें अर्जुन को ज्ञान देना पड़े? अरे ये तो वो लोग करते जो कृष्ण की हाइट पे नहीं पहुंचे। कृष्ण ने पूरे जीवन में न तो किसी की लाइफ में इतना इंटरफियर करा, न किसी से सवाल पूछा, न किसी को ज्ञान की बात कही, तो आज क्या पड़ी है उनको? रत्ती भर नहीं पड़ी है। इसलिए तो उनको पूर्ण अवतार कहते कि पूर्ण ब्रह्मचर्य में रह रहे हैं। और ब्रह्म की चर्या क्या है? ब्रह्म आपको ज्ञान नहीं देता, इंटरफियर भी नहीं करता। करता है कि यार सारे मनुष्यों में से जलन निकाल दो, वो तो इंटरफियर हो गया। हमारी जलन है, तुम्हें क्या? ब्रह्म नहीं करेगा, कृष्ण भी नहीं करेंगे। बड़े ध्यान से समझ लेना, कृष्ण कभी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, कृष्ण कभी इंटरफियर नहीं करेंगे। इसलिए तूने इकलौता अकेला पूर्ण अवतार कहा जाता है कि ब्रह्म की ऊंचाई में जी रहे हैं वो। ज्ञान की बात, इंटरफियर, ये उनसे नीचे नीचे और नीचे के लोग करते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, बात समाप्त हो गई। कृष्ण का कोई रस ज्ञान देने में नहीं है। और ये गीता क्या है? ये गीता अर्जुन और कृष्ण का साइकोलॉजिकल द्वंद्व है और कुछ भी नहीं है। अर्जुन डर गया है और उस डर में वो अपनी बातें कर रहा है जैसे हम लोग रोज करते हैं, बरोबर ना? और सामने कृष्ण है, बस यही एक दुर्भाग्य हो गया अर्जुन का कि सामने कृष्ण है जो कन्विंस नहीं हुए और कह रहे हैं कि छोड़ तेरी नपुंसकता, समय नहीं है बहस का, समझने का, समझाने का, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और बात समाप्त। गीता यहीं एक बार को समाप्त हो गई। इसलिए कोई भी ये कहता है तो वो वही बात बस वहीं आकर गड़बड़ हो जाती। कृष्ण को ज्ञान देना था, अर्जुन को ज्ञान लेना था, अरे पूरी गीता खत्म हो गई, महाभारत भी खत्म हो गया। उसके बाद में हजारों को मार के आया अर्जुन अश्वमेघ यज्ञ करवाने के लिए, कौन सा ज्ञान चाहिए था उसको? बड़े स्पष्ट समझ लेना, ये भी गलत है कि अर्जुन को ज्ञान चाहिए, ये भी गलत है कि कृष्ण को ज्ञान देना है। अर्जुन को युद्ध से भागना है और कृष्ण को युद्ध करवाना है, बस। अब असमय, कृष्ण कह रहे हैं कि तेरा यह मोह असमय है। बाकी थोड़ा सा इतिहास याद कर लो कृष्ण का। अर्जुन कह क्या रहा है कि मुझे रण छोड़ के भागना है और कृष्ण का नाम ही रण छोड़े है ना। कृष्ण खुद जब मथुरा पे जरासंघ हमला करने आने वाला था तो 15 दिन तो बड़ी कोशिश करी और समझ में आ गया कि कुछ होने वाला नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, जरासंघ महाराज एक रोज में मुझे बलराम को मार डालेंगे। 2 रोज पहले, इसके पहले कि जरासंघ मथुरा पहुंचे, कृष्ण रण छोड़ के भाग गए। तो ये वही कृष्ण है, लेकिन वो समय था रण छोड़ने का, सेना पहुंची नहीं थी, कुछ मिलना नहीं था, जरासंघ को आने का काम क्या था कि उसे कृष्ण को मारना था, उसको मथुरा से मतलब नहीं था, मथुरा की सेना से मतलब नहीं था। कृष्ण को सीधी बात समझ में आ गई कि मैं रुकूंगा
तो मथुरा की सेना मुझे बचाने की जो भी थोड़ी बहुत दो चार घंटे कोशिश करेगी उसमें बेमतलब मारी जाएगी, मैं भी मारा जाऊंगा, फायदा कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं भाग जाता हूं। जब जरासंघ को मालूम पड़ेगा कि कृष्ण है ही नहीं मथुरा में तो माथा ठोकेगा, मथुरा से कोई दुश्मनी नहीं है, झगड़ा होगा नहीं, कोई मरेगा नहीं और मैं भी बच जाऊंगा। तो ये तो समय था रण छोड़ने का, बड़े ध्यान से समझना। और वही रणछोड़ इतिहास का एकमात्र रणछोड़ इतिहास के एकमात्र ग्रंथ में कह रहा है कि तू रण नहीं छोड़ सकता। ये कृष्ण है, समय तय करता, रण छोड़ना और रण न छोड़ना कोई महत्वपूर्ण बात है? थोड़ा सा आप समझना, सत्य बोलना कोई बड़ी ऊंची बात है? अरे असत्य बोलने का भी समय आता, युधिष्ठिर से बुलवाना पड़ा, समय तय करता। असमय असत्य बोलोगे? असमय सत्य बोलोगे? घर में गुंडे घुस गए, बच्चे को छुपा दिया है और वो पूछने बच्चा क्या है, वो रहा पागल हो गया, कैसी बात कर रहे हो यार आप? तो कृष्ण बड़ी सीधी बात कह रहे हैं कि समय पे जो भी चीज करते वो परमात्मा की, और जो असमय करते वो मोह, और तू मोह को प्राप्त हुआ है। रण तो मैंने भी छोड़ा था प्यारे, ये तो तेरे में करेज नहीं है पूछने का, वरना पहला सवाल अर्जुन ये पूछता कि महाराज आप छोड़ चुके मुझे क्यों मरवा रहे हो। अर्जुन की बुद्धिमानी उस लेवल के नहीं पहुंची थी, वरना यही सवाल पूछता। समझ लेना। लेकिन भीम होता तो गीता चेंज हो जाती, क्योंकि भीम शुरुआत ही इससे करता कि कृष्ण आप तो भगे थे मुझे क्यों रोक रहे हो, है ना? तो गीता पूरी चेंज हो जाती। मैं यही कह रहा हूं कि ये दो आदमी की बातचीत है, कृष्ण अर्जुन की बातचीत है, उसको आप समझे, कृष्ण की मानसिकता कृष्ण की चेतना को समझे, अर्जुन की मानसिकता को समझे और कृष्ण क्या कह रहे हैं समझे। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। इट्स अ रियली ग्रेट बुक दैट आई हैव कम अक्रॉस इन सो मेनी इयर्स। आई हैव रीड मेनी बुक्स बट दिस वन स्टैंड्स अपार्ट। इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। आई हैव रेड द बुक, इट क्लियरली आइडेंटिफाइज एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन योर ब्रेन एंड द माइंड। ऑल द सेवन स्टेट्स ऑफ द माइंड आर क्लियरली डिफाइंड इन दैट बुक एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट द बुक। सो इट्स अ वेरी नाइस बुक रिटन इन अ वेरी क्लियर लैंग्वेज। मेरा तो मानना है मैं मन हूँ पुस्तक हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। अब कृष्ण ने तो कह दिया कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, अब अर्जुन के पास ऑप्शन क्या है समझ लेना। गीता श्लोक बाय श्लोक आगे बढ़ रही है, अब अर्जुन के पास ऑप्शन क्या है? तो अर्जुन कह रहा है, हे मधुसूदन, अर्जुन कह रहा है कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन की बात एक बार फिर से समझ लेना, वो कह रहा है कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है, इसलिए
इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रुक भोगों को ही तो भोगूंगा। अगर कृष्ण कृष्ण है तो अर्जुन भी अर्जुन है, वो भी आसानी से हथियार डालने वालों में से नहीं है। महाभारत तो वहां रह गई और इन दोनों में एक महाभारत शुरू हो गई। अर्जुन बार बार अपनी बात कर रहा है, लेकिन दिक्कत यही आती, मैंने पहले दिन ही समझाया था कि कोई कुछ भी चाह ले वो छिपा नहीं सकता, कुछ भी कह दे उसके हाथ में नहीं है। हाँ, एक चीज का फर्क है कि सामने समझने वाले परफेक्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है, जिन्हें ज्ञान है इस जीवन का, जिन्हें ज्ञान है प्रकृति का, जो मनुष्य की हर एक बात को जानते, ऐसे लोग कम है, इसलिए बात चल जाती। और आपको सबसे पहले उसी कला में माहिर होना है। कोई देख रहा है तो क्या है, कोई बोल रहा है तो क्या है, कोई बिहेव कर रहा है तो क्या है, बस यही तो समझना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कृष्ण ने कहा कि तू नपुंसकता को प्राप्त हो गया और अर्जुन ने उस बात का विरोध नहीं किया। इस बात को समझना, यह भी छोटी मोटी बात नहीं है। कृष्ण की एक विजय तो हो गई कि अर्जुन ने नपुंसकता को प्राप्त हुआ उसका विरोध नहीं किया। जरा गौर करना, कोई आपको पकड़ के बोले भरे बाजार में कि तुम चोर हो, तो सबसे पहले तुम बोलोगे मैं चोर नहीं हूं। अगर आप नहीं बोल रहे हैं और कुछ और बोल रहे हैं, मतलब आपको डाउट चला गया कि हाँ मैं चोर हूं, है ना, समझ लेना, बड़ी सिंपल बात है। तो सबसे पहले तो अर्जुन का मैं नपुंसकता को प्राप्त नहीं हुआ यह न बोलना ही सिद्ध कर गया कि अर्जुन को कृष्ण ने कहीं ना कहीं एक ही वाक्य में डगमगा दिया, उसका बैलेंस बिगड़ गया। अब वो कह रहा है कि मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। अब इसमें किस प्रकार यानी हाउ, वाई नहीं पूछ रहा है, वो क्यों लड़ूंगा ये नहीं पूछ रहा है, किस प्रकार लड़ूंगा। आप जानते हो, एक ने मुझे सिखाया है, गुरु है, मेरे बाप है, और एक पैदा हुए तब से यही काम करते आ रहे हैं, है? मैं किस प्रकार लड़ूंगा उनके सामने। अब बोलते तो बोल गया किस प्रकार, लेकिन अर्जुन बुद्धिमान पूरा था तो तुरंत बात संभाल रहा है, हे हरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय है, ये बात संभाल रहा है। अब आप भी देख लेना, डे टू डे में समझ लेना, अगर कोई कुछ भी कह रहा है, अगर आप उसको एक धक्का देंगे, साइकोलॉजिकली ये नियम है, अगर आप उसको धक्का देंगे तो पहली बार में स्पॉन्टेनियसली उसके मुंह से बिल्कुल सच निकल जाएगा, फिर वो पीछे से पुट्टी भरेगा जैसे थोड़ा होश में आएगा। आप किसी को भी गुस्सा दिलवा दो, इमोशन में डाल दो, कुछ सिचुएशन कर दो, उसके दिमाग को एक सेकंड को स्टॉप कर दो, फट से वो बोल देगा। ये बड़ा सिंपल नियम है। मेरे पास तो कितने आते, अब मैं तो मास्टर हूं, मुंह से निकलवा लेता, कबूल ही लेता वो, किसी के पास कोई भी उपाय नहीं है कबूलने के अलावा। आप जरा धक्का दो, कृष्ण ने धक्का दिया तो उसके मुंह से निकल गया किस प्रकार लड़ूंगा। वो भूल गया कि सबसे पहले नपुंसकता को प्रोटेक्ट करूं, वो भूल ही गया। अब इसके आगे वो एक बड़े कमाल की बात कह रहा है। वो कह रहा है कि इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। ये अर्जुन की नहीं, उस समय और आज भी मनुष्य की समस्या है। कारण कुछ भी नहीं है, लेकिन
हजारों लाखों शास्त्र लिखे हुए हैं और वो उनके प्रभाव से उस मानसिकता से बाहर पूरा आता नहीं है और बार बार उसी के पीछे छिप जाता है बार बार। तो हर हारा व्यक्ति, सन्यासी भी कोई महावीर बुद्ध की तरह सन्यास घट गया हो और ले ले बात अलग है, वरना सबके सब हारे हुए लोग हैं, है ना। क्या प्रयोग कर नहीं सकते, बिजनेस होता नहीं, अभी गाड़ी चलती नहीं, स्त्री संभलती नहीं, है ना, करो क्या, समस्या यही है। तो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे वाली बातें हैं। अब ये बात गलत है। अगर आप में कमाने के गट्स नहीं है, अगर आप में कमाने की क्षमता नहीं है, अगर आप मेहनत ही नहीं कर पा रहे हैं और फिर चार जनों के बीच में बैठ के बोले मैं बड़ा संतोषी हूं, दूसरा अल्टरनेट है, इसको संतोष कहते हैं। जरा ध्यान से समझना, ये बातें आपके उस जगत में दूसरे किसी के भी सामने दूसरे में सब आगे चल जाएगी। मैं भी बड़ा स्ट्रिक्ट हूं कि जो हो 100% हो, क्योंकि 1% मिलावट में मजा नहीं है, मिलावट में मजा ही नहीं है, मिलावट में उपाय भी नहीं है, ऐसे ही भटकते रहेंगे मिलावट में। सो संतोष शब्द ही उनके लिए है जिनके पास है, उनके लिए नहीं है जिनके पास नहीं है, उनके पास तो उपाय ही नहीं है। अभी बेचारा कोई मजदूर है, चलो दुर्भाग्य से उसके पास सोने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, और वो कहे मुझे प्लेटफॉर्म में सोने में भी कोई कष्ट नहीं है, बात में दम नहीं है। लेकिन किसी के पास सब कुछ है और परिस्थिति आ जाए और प्लेटफॉर्म पे सो जाए और एक ही बार में गहरी नींद सो जाए, वो ये कह सकता है कि मुझे प्लेटफॉर्म में सोने में भी कोई कष्ट नहीं है। कृष्ण की बात बड़ी स्पष्ट है। सो अर्जुन जो कह रहा है वो तो ऑप्शन उसके पास खुले है। युद्ध जीतने के बाद तू राज्य मत ले, युद्ध जीतने के बाद बुद्ध और महावीर की तरह गुम भिक्षा का पात्र लेके, ऑप्शन तो खुले ही है। 40 वर्ष पहले भी ऑप्शन खुला ही था। आज हार के डर से ये बातें मत करे, आज मौत के डर से ये बातें मत करे। जो भीतर नहीं है वो बाहर बोलना उससे बड़ा कोई असत्य नहीं है और उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। कृष्ण की बात स्पष्ट है, न तो बाहर ठुकरा सकते न भीतर ठुकरा सकते, फिर वो क्या है उसमें इतनी बुराई नहीं है। मनुष्य करता क्या है, हम करते क्या हैं, हम शब्दों का, आंखों का, बिहेवियर का जो भी उपयोग करते वो कायदे से तो हमें जो भीतर है उसे प्रकट करने के लिए करना चाहिए, कायदे से। तो बड़े ध्यान से समझना, बड़ा ही साधारण कायदा क्या कहता है कि जो कुछ भी भीतर है उसको हम आंख से, शब्दों से, बिहेवियर से प्रकट करें। हम करते क्या है, आंख, शब्दों और बिहेवियर का उपयोग जो कुछ भी भीतर है उसे छिपाने के लिए करते हैं, और ये छिपाना ही सब लोग सिखाते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू छिपाने के लिए इन तीनों का उपयोग मत कर, तू किसी और को बेवकूफ बना भी लेगा, लेकिन डोंट कंफ्यूज कृष्ण, डोंट ट्राई, है ना, फंस जाएगा। मेरे सामने कोई कुछ छिपा नहीं सकता। सो बेईमानी कृष्ण के सामने चल नहीं सकती। अर्जुन जो भी बातें कह रहा है, ये सारे हारे हुए लोग, सारे परेशान लोग, सारे सन्यासी, सभी लोग सदियों से कहते आ रहे हैं, कोई प्रसन्न नहीं है। अगर आपके भीतर कुछ है और आप हिमालय पे बैठ के दिखा देना, 24 घंटे जो भीतर है वही पीछा करेगा, कुछ आपके पास इलाज नहीं है। कृष्ण के पास सब कुछ था, कृष्ण का जीवन देखे, द्वारका नगरी थी, राजा थे, रानियां थी, संतान थी, सब कुछ था कृष्ण के पास, ऐशो आराम के सारे सामान थे, शौकीन थे, लेकिन
द्वारका बसाने के अगले 20 साल कृष्णा बमुश्किल द्वारका में रह पाए। उनका अधिकांश जीवन जंगलों में गुजरा, कष्टों में गुजरा, द्वारका होने के बावजूद ये तो कह सकता कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मोह नहीं है, हो और मोह न हो बस वो बात तो बराबर है, अल्टरनेटिव ना हो और आप कहे मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बलराम पूरे समय द्वारका में रहा, सभी जने रहे कृष्ण को छोड़ के, लेकिन कृष्ण जने कहा जने कहा जने कहा ये महाभारत रुकवाने के लिए भक्ते रहे। ये कृष्ण का इतिहास है, ये महाभारत एक दिन में नहीं घटी। जहां जहां झगड़े की बू आती कृष्ण जाते। तो कृष्ण के पास सब कुछ होते हुए भी वो सन्यासी है। कृष्ण यही कहते बाहर संसार जितना बढ़ाते हो उतना आप भगवान का कार्य कर रहे हो, लेकिन भीतर पूर्णतः सन्यास रखो। और ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर भीतर भी कुछ नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं है, बड़ा उदासी वाला जीवन है, बड़ी मनुष्यत है, ये भी एक तरीके की नाकामी है। कृष्ण को ये स्वीकार्य नहीं है, किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। अगर यही कर लेंगे सब जने, सभी भिक्षा मांगने लगेंगे तो देगा कौन? ऐसा नहीं होता है, समझ लेना। सो मेहरबानी करके आप एक चीज समझ लीजिए कि बेईमानी को जगह नहीं है। आप मार नहीं सकते और फिर कह दें कि मैं तो अहिंसा में विश्वास करता हूं, तू दो और मार ले, तो अल्टरनेट क्या है? हैं? अल्टरनेट ही नहीं है। आप मार सकते और छोड़ो, आप कमा सकते, आपके पास धन है और आप छोड़ो, तब तो बात बराबर है। आप में गट्स और आप उपयोग न करो, बात बराबर है। यही नहीं उस चीज का क्या दावा ठोकते, बात में ही दम नहीं है उसका क्या दावा ठोकते। कंस ने कितनी मारने की कोशिश करी कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने कंस को कभी अपना जाति दुश्मन नहीं माना, मान सकते भी नहीं थे, क्योंकि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। हर मनुष्य बड़ा ही साधारण है, उस पे हमले करने का सबको अधिकार है, वो स्वतंत्र है, उसमें बुरा मानने क्या बात है। लेकिन कंस को कब मारा? जब कंस इतना विचलित हो गए कि उसने देखा कि यार कृष्ण ने हाथी को मार डाला, कृष्ण बलराम ने चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवान को पछाड़ दिया, तो एकदम क्रोध में आ गया कंस और बोले कि इनके माता को, पिता को, दोनों पिता को, दोनों माता को, सारे ग्वालों को, सबको मार डालो। जब सिपाही को उसने ऐसा ऑर्डर दिया तब जाके कृष्ण को कंस को मारना पड़ा, इतनों को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए नहीं। जरासंघ का पूरा जीवन क्या था? एक ही ध्येय था कि कृष्ण को मार डालूं, क्योंकि उसने मेरी बेटियों को विधवा किया है, कंस को मारा है। और भयंकर शक्तिशाली राजा कृष्ण सिर्फ भागते ही रहे, एक रण से दूसरे रण छोड़ते ही रहे उससे बचने के लिए। लेकिन एक बार मौका मिला, जरासंघ फंस गया अकेले में और कृष्ण के पास पूरा मौका था उसे मारने का, कृष्ण ने नहीं मारा, क्योंकि जो कृष्ण को जातीय तौर पे मारना चाहता वो कृष्ण का दुश्मन नहीं है। तो कृष्ण कह सकते कि मैंने छोड़ा। अर्जुन तू तो इस पोजीशन में है जहां तेरे को अपने जीने के लाले पड़े हुए हैं और तू ये दावा नहीं कर सकता कि मैं उनको मारना नहीं चाहता। अरे वो तो कृष्ण नहीं चाहते, बड़े ध्यान से समझ लेना। तू ये दावा नहीं कर सकता कि मैं राज्य नहीं चाहता, ये दावा कृष्ण कर सकते हैं, तू ये दावा नहीं कर सकता है। सो थोड़ा सा कृष्ण की ऊंचाई और अर्जुन की बातें बराबरी पे समझना जरूरी है। अतः जो हम कर सकते वो न करें तब बोलना कि मैंने ये नहीं किया, जो हम नहीं कर सकते और हम कह दे ये मैंने नहीं किया, है ना। अभी लीवर ही खराब हो गया, खिचड़ी के अलावा कुछ जाता नहीं और हम बोले मैं तो थैले पे देखता भी नहीं, देख के देख लेना है, बेकार की बात है। अभी कृष्ण का लीवर मजबूत है, जीवन भर 56 भोग खाए तो कोई कष्ट की बात है? भोजन बना किस लिए, खोजा किस लिए? तो इनकार नहीं है मजबूरी को, खा ही नहीं सकते और फिर बोले ये तो सब बेकार की बातें हैं, क्या रखा है खाने में, अरे तो क्या रखा है जीने में भी भाई, जाना गुड बाय है, किसी चीज में कुछ रखा ही नहीं है तो जी क्यों रहे हो।
अब आगे अर्जुन जो कह रहा है वो बड़ी जोरदार बात है। अभी उसने एक चीज कही कि देखो कृष्ण, मैं उनको किस प्रकार मारूं, यानी कि हाउ, तुम समझते नहीं है मेरे गुरु हैं यार। फिर बोल रहा है कि मैं मरना भी पसंद करूंगा, भिक्षा लेना पसंद करूंगा, लेकिन इनको मारकर मैं राज्य नहीं चाहता। ये भी अच्छी बात है, लेकिन जब वो बातचीत कर रहा है और बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रहा है, समझ लेना, ये जो जितनी ऊंची बात करे जीवन में नियम, समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। जितनी ऊंची ऊंची सिद्धांतों की बात करे, धर्म की बात करे, समझ लेना भीतर खोखला है, बात में दम नहीं है। तो ऊंची ऊंची बातें करेगा, क्या लेके आए थे, क्या चाहिए, हम तो हर हाल में खुश है, हम तो ऐसा ही है, हम तो वैसा ही है, हम तो यूं है, हम तो यूं है, समझ लेना बड़ा मनुष्य आदमी है, कुछ दम नहीं है उसमें। बम वो है जो फूट चुका है, ये कुछ है ही नहीं उसमें, जला हुआ कारतूस है ये। तो अर्जुन भी वैसी ही बातें कर रहा है कि मैं भिक्षा का पात्र पसंद करूंगा और ये पसंद करूंगा, राज्य भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो कृष्ण को राज्य चाहिए जो महाभारत में खड़े हैं। अबे जितना तेरे को राज्य तुझे मिलना है सब कुछ तेरा कृष्ण का है क्या, जो उनको ज्ञान दे रहा है तो उल्टा सुलटा, जो कुछ भी है तेरा है, तेरा किया कराया है, जो युद्ध हुआ तू युद्ध करने आया, झगड़ा तेरा कौरवों से, राज्य तुझे चाहिए, सम्मान तुझे मिलना है, मेरा है क्या है, द्रोण क्या पढ़ने तू गया था, मैं कहां गया था, सब कुछ तुझे चाहिए, सब कुछ तुमने किया और ज्ञान दे रहा है, तुमको आश्रम चाहिए, तुमको चंदा चाहिए, तुमको चेले चपाटी चाहिए, तुमको सोने का मंदिर चाहिए और ज्ञान हमें दे रहे हो, तुम्हें चाहिए और ज्ञान हमें दे रहे हो, नहीं। तो आगे अर्जुन कह रहा है, जब उसने देखा कृष्ण की आंखों में कि मैं इतनी ऊंची ऊंची बात कह रहा हूं, और मन में तो सोचता होगा कृष्ण बोलेंगे वाह यार अर्जुन क्या ज्ञानी है, तू आंख खोल दी, लेकिन कृष्ण के हाव भाव चेहरे कहीं भी उसकी बात से सहमति नहीं दिखा रहे। वो तो दिखता है सामने कि हम तो कुछ भी कह दे, है ना, सामने वाले पर असर नहीं हो रहा है, रत्ती भर हिल नहीं रहे हैं कृष्णा। तो अर्जुन आगे कहता है कि सुनो कृष्ण, 100 बातों की एक बात, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, हाँ क्या उसके बाद अल्टरनेटिव बता, तो सुनो कृष्ण 100 बातों की एक बात, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है ना, हम यानी मैं तो नहीं ही जानता। अर्जुन बड़ा अहंकारी था, बड़ा बुद्धिमान था, तो वो ये तो कह ही नहीं सकता कि मैं नहीं जानता और तुम जानते हो, वो तो शक ही नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि सुनो कृष्ण 100 बातों की एक बात, प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं जानते, तुम भले कन्विंस नहीं हो रहे हो मेरी बातों से, लेकिन एक बात तो तय है कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना में क्या श्रेष्ठ है। और फिर दूसरी बात, मुद्दे की बात सुन लो कृष्णा, हम यह भी नहीं जानते कि वे हमको जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे। अर्जुन है तो दो बातें कह रहा है कि युद्ध करना और न करना इसमें क्या श्रेष्ठ है, यह भी हम नहीं जानते, वे जीतेंगे कि हम जीतेंगे ये भी हम नहीं जानते, और फिर तीसरी बात कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। उसने ये सब श्लोक बोल दिया, मतलब धीरे धीरे वो ठंडा पड़ने लग गया कृष्ण के सामने, है ना, कि उसके मुंह से निकल गया कि सही बात तो ये कि हम ही नहीं जानते जीतेगा कौन। अब आगे कह रहा है कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपत हुए स्वभाव वाला, पूरी तरह से कबूल लिया उसने कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ, यह अब अर्जुन ने गुगली फेंकी, मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी
मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शौक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। कमाल 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 हो गया। इसमें दो बातें समझना, अर्जुन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कृष्ण पे प्रभाव डालने की, और कृष्ण को कोशिश करने की जरूरत नहीं है, उनके पास बड़े हथियार है क्योंकि साइकोलॉजी के सरताज है वो। तो उन्होंने अर्जुन को हिला तो दिया और अच्छा खासा हिला दिया। तो अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन पहला वाक्य कह रहा है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। स्पष्ट बात हो गई कि न तुम जानते न मैं जानते कि हमारे लिए योग्य क्या है ना। अच्छी बात क्या है, धार्मिक बात क्या है, ये ना तुम जानते ना हम जानते, ऐसा कंक्लूड करते है ना। क्योंकि तुम कह रहे हो कि युद्ध करो और मैं कह रहा हूं कि नहीं करूंगा, यानी कि हमारे विचार नहीं मिल रहे। तुम मेरी बात से कन्विंस नहीं हो, मैं तुम्हारी बात से कन्विंस नहीं हूं, कोई बात नहीं, हम ऐसा कंक्लूड करते हैं कि ना तुम जानते ना मैं जानता है ना, न तुम गलत ना मैं गलत, न तुम सही ना मैं सही। फिर उसके मुंह से निकल गया, हम ये भी नहीं जानते, यानी कि कृष्ण को पूछ रहा है, चांस ले रहा है अर्जुन, गुगली फेंक रहा है कि हम ये भी नहीं जानते कि वे जीतेंगे या हम। हालांकि मेरे अंदर की बात कहूं तो मैं तो जानता हूं कि हम नहीं जीतने वाले, लेकिन उसको लग रहा है कि ऐसी बात करूं और कृष्ण कह दे कि नहीं नहीं संभावना है अपने जीतने की तगड़ी, तो शायद फिर उस समय आ जाऊं। तो वो पूछ रहा है, बड़ी स्टाइल से पूछ रहा है कि हमें यह भी नहीं मालूम कि वे जीतेंगे या हम जीतेंगे। हाँ, हम जीतने वाले हो, मुझे मारने में क्या ऐतराज है, कोई गारंटी दे दे, ये मेरी पुरानी सब बातें वापस है ना, जिस शास्त्रों से आई थी वहां चली जाए, जहां पे भाई थे वहां चले जाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम जानते ही नहीं कि हम जीतेंगे कि ये जीतेंगे। और आगे कह रहा है कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, ये तो बड़ी सीधी बात है। ये बात उसके मन से अनकॉन्शियसली निकली है कि 40 सालों से कृष्ण मेरी बात समझो, मैं एक ही बात जानता आया हूं, एक ही बात करता आया हूं कि कौरवों को ठीक करना है और हस्तिनापुर पाना है। अब वे ही नहीं रहेंगे तो मैं करूंगा क्या, तीसरा कोई काम तो मैंने किया ही नहीं 40 सालों से। और दूसरी बात बाय द वे, अगर मैं जीत भी गया तो जलाऊंगा किसे और दिखाऊंगा किसे, अगर वो रहे ही नहीं तो मजा क्या। अगर दुश्मन मर ही गया और उस तक खबर ही नहीं पहुंची कि मैं देखो, तो फिर उस देखो का मतलब क्या है। ये दोनों बातें वो अनकॉन्शियसली कह रहा है। फिर कह रहा है कि इसलिए कायरता रूप दोष से उत्पत्त हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोचित हुआ मैं आपसे पूछता हूं। अब समझो आप, वो कबूल रहा है कि चलो कृष्ण, ये भी मुंह से निकल रहा है, कबूल नहीं रहा है, मुंह से निकल रहा है कि मैं कायरता रूप दोष से गिर गया हूं, मैं डर गया हूं, मान लिया। इसके एक वाक्य पहले बोल रहा है कि ना तुम जानते ना मैं जानते कि युद्ध करना और न करना में क्या श्रेष्ठ है, और तुरंत एक वाक्य बाद बोल रहा है कि मोह में फंसा हुआ मैं, धर्म में मेरी रुचि जागी अब। तो कोई भी आदमी जब डरता है तो सीधी बात है उसकी पहली रुचि धर्म में जागती, क्योंकि एक ही जगह उसको आसरा दिखता कि ये चीज मुझे अपने संकट से दूर ले जाएगी। और कोई धर्म का मोह नहीं है, पूरी मनुष्य जाति को सदियों से धर्म के प्रति एक ही आकर्षण है कि मैं तो संकट में फंसा हूं है ना, जैसे अर्जुन फंसा है, मैं डरा हुआ हूं भविष्य से, कल से, हर चीज से, तो मेरे पास उपाय क्या है, मेरे अंदर गट्स नहीं है, बरोबर है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, अगर कर सकता होता तो मैं इस पोजीशन में ना होता, तब उपाय क्या है। तो वो सोचता है कि धर्म के प्रति रुचि जगाऊं, शायद कुछ मेरा उद्धार हो जाए वहां से, चाहे कोई भगवान आ जाए, चाहे कोई शास्त्र आ जाए,
अंगूठी आ जाए, ताबीज आ जाए, कोई पूजा आ जाए, कोई प्रतिज्ञा आ जाए। तो अर्जुन वही कह रहा है कि मैं कायरता में गिर गया हूं, डर गया हूं, और धर्म के प्रति मेरी रुचि जागी है। अतः मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए। ये भी कमाल की बात है। एक सेंटेंस पहले जो व्यक्ति कहता है कि न तुम जानते न मैं जानते, एक सेंटेंस बाद वो कह रहा है कि आप मुझे बताइए। एक सेंटेंस बाद क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में यह चल रहा है कि महाराज आप मेरी बात से कन्विंस हो नहीं रहे, रथ की कमान आपके हाथ में है, जब तक आप कन्विंस नहीं होंगे मैं मैदान से बाहर भाग नहीं पाऊंगा, पैदल तो भाग नहीं सकता। तो आप कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करते, आप कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करते, तो महाराज मुझे बताइए कि श्रेष्ठ पुरुष कैसा करते हैं, है ना? आप बताइए, क्योंकि मैं तो फंस गया, रथ की कमान मेरे हाथ में है नहीं, वरना वो पूछने ना रुकता, सीधे भाग जाता। लेकिन कमान कृष्ण के हाथ में है और उनको कन्विंस कराना जरूरी, तो कह रहे हैं कि चला आप बताइए कि श्रेष्ठ पुरुष कैसा करते, मैं वैसा कर लूंगा, फिर भगा दोगे, है ना? तो वो कह रहा है कि मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, समझ लेना कृष्ण, आप कोई ऐसी वैसी राय मत दे देना कि मैं मर जाऊं। जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, 100% गारंटेड प्रोडक्ट देना, है ना? जो भी राय दो परफेक्ट देना, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो परफेक्ट, वो मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि आपके अलावा मेरा उद्धार कोई नहीं कर सकता। आप बोले वैसी हम बातचीत कर लें, आप बोले उस पॉइंट पे हम एक हो जाएं, क्योंकि अभी हम विपरीत खड़े हैं। आप बार बार बोलते युद्ध कर, अरे ऐसे कैसे कर लो, जान चली जाएगी, हैं? ऐसे कैसे कर लो, बार बार युद्ध करो, अरे युद्ध कैसे करो, बातचीत करो और समझो मेरी बात और एक पॉइंट पे आओ और मुझे भगा के ले जाओ, बस। अब वो ये सब कृष्ण से कह तो रहा है और कहते कहते बराबर कृष्ण को देख भी रहा है और समझ भी रहा है कि मैं इतनी बातें कर रहा हूं, उनको गुरु बना दिया, उनको मालिक बना दिया, उनसे ज्ञान भी मांग रहा हूं, उनसे पूछ भी रहा हूं कि बताइए श्रेष्ठ पुरुष कैसा करते, मैं आपकी शरण भी आया हूं, लेकिन ये महाराज तो किसी मूड में नहीं आ रहे, ये मुझे यहां से रथ ले जाने के चक्कर में दिखते ही नहीं, मान रहा क्या है? उसने पूछ लिया कि आपसे पूछता हूं जो कल्याणकारक को मेरे लिए कहिए, मैं आपकी शरण आया हूं। लेकिन देखता कि इस पे तो असर ही नहीं हो रहा है, कृष्ण महाराज तो हिलने को तैयार नहीं है, मेरी तरफ ऐसी ऐसी निगाह से देख रहे हैं कि पूछो मत, ऐसा लग रहा है मुझे फिर कहेंगे युद्ध कर। तो उसने पहले ही कह दिया निश्चित कल्याणकारक वो प्रोडक्ट देना, और युद्ध कल्याणकारक नहीं है, तो आप मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शौक को दूर कर सके। ब्यूटीफुल। अर्जुन की मानसिकता पूरी बाहर आ गई। वो कह रहा है कि धन धान्य से संपन्न राज्य जो हजारों द्वारकाओं पे भारी हो, देवताओं का स्वामीपन कि सारे देवता मेरी शरण में बैठे हों, उसे प्राप्त होकर भी मैं मेरे मन की बेचैनी कुछ दूर हो जाए ऐसा उपाय नहीं देखता। अरे लेकिन मेरे भाई वो सब तब होगा जब तू जिंदा बचेगा, सबसे बड़ी बात समझना। तो वो सोच तो रहा है कि ये मिल जाए तो भी नहीं, वो मिल जाए तो भी नहीं, लेकिन मिल कहाँ रहा है, कोई दे रहा है? जब हम फंसते, बड़ा ध्यान से समझना, जब कोई बड़े गहरे डर में बैठ जाता या बड़ी बुरी तरह से फंस जाता, तो उसका भाव, उसकी मनोदशा वही होती जो अर्जुन की है। उसको लगता है कि सब कुछ मिल जाए तो भी मजा नहीं है, लेकिन मिल कहाँ रहा है, ये तेरा अंतिम पल है, सामने तीन आदमी बंदूक लेके खड़े हैं, तो वही तेरा गम है। तू जिएगा तो राज्य मिलेगा,
तू जिएगा तो देवताओं का स्वामीपन मिलेगा, तू बचेगा तो तीन लोग मिलेंगे, तेरी चिंता ये है कि तुझे तू बचता दिखाई देता नहीं। वो कृष्ण से यही तो कह रहा है कि महाराज मैं युद्ध करूंगा तो बचता दिखाई नहीं दे रहा, आप मुझे मैदान से भगा ले जाने को राजी नहीं है, मैं करूं क्या? मुझे बाकी कुछ भी मिल जाए मैं करूं क्या? मैं फंस गया। यही दिक्कत है। तो अंतिम श्लोक है, संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। कृष्ण को बोलने का मौका ही नहीं दिया, देख लिया एक्सप्रेशन कि ये फिर वही बोलेंगे युद्ध कर, इनके पास तो मेरे हर सवाल का एक ही जवाब है, तू युद्ध कर। इतना कन्विंस कराया, आप बताइए मैं क्या करूं, आपकी शरण आया, फिर देख लिया कन्विंस नहीं है तो बोले मुंह खोलो ही मत, मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं, जाओ। जवाब देने का भी मौका नहीं दे रहा हो, समझ लेना। ये अर्जुन की हालत है, यही सबकी हालत है। घर घर में अर्जुन है, हम 24 घंटे अर्जुन है यही करते, पूछते मैं जाऊं, अपन कहें क्या बात करता है यार, ये तो जा ही नहीं सकता, यहां पर इससे बड़ा दुष्कर्म नहीं हो सकता, तो मुंह इतना हो जाते, कन्विंस कराते और फिर चले जाते। तो पूछा क्यों था, गौर करना आप, कोई भी मैं ये ड्रेस पहनूं कि वो, आपके तो ये तेरा टेस्ट ही नहीं है। कोई किसी को कुछ पूछ नहीं रहा है, यहां अर्जुन भी पूछ नहीं रहा है, हर कोई सहमति चाहता। आपके मन की बात कह दे तो फिर आपने कहा था इसलिए करा, बुरा हो जाए तो आपसे झगड़ ना सकूं। मेरे पसंद की बात नहीं है तो मैंने पूछा ही क्यों था। इस जगत में कोई पूछता नहीं है, मैंने बहुत कम लोगों को पूछते हुए देखा है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। जब वो पूछते हैं तब भी उनका माइंड तय रहता कि मेरा झुकाव कहां है। अरे पूछना मतलब पूछना होता है, कृष्ण के पास, मेरे पास, गीता में, धर्म में, सत्य में बेईमानी संभव नहीं है। अगर आपका 1% भी तय है, मैं पहले ही बोल चुका आपको, अगर आपको गीता समझनी है और आपका 1% भी तय है कि कृष्ण भगवान है, अर्जुन ये है, महाभारत ऐसी है, शास्त्रों में ये लिखा है, आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं कि गीता में क्या है। गीता में क्या है समझना है तो आपको ब्लैंक होना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो मतलब ये हुआ कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कन्विंस हूं कि आप मुझसे ज्यादा जानते इस विषय में और आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा बगैर कुछ दिमाग लगाए, उसको तो पूछना कहते। यहां तो कोई किसी से कुछ पूछता ही नहीं, तो फिर क्या करें। मेरे से कई लोग पूछते मेरे को दिखता ये पूछ नहीं रहा है, लेकिन अपनी तो ड्यूटी है कि भाई गलत रास्ते जाने से रोको, उसका हित ना हो जाए तो दो बार बोल देते, फिर देखते हो कन्विंस नहीं है, वो जाना ही चाहता है तो जाओ, मैं आपके साथ हूं, डबल से खुश हूं, लेकिन परिणाम भोगने पड़ेंगे। आप कृष्ण से पूछ नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कमाल की बात कह रहे हैं कि हम दोनों नहीं जानते, दोनों में से एक भी नहीं जानता कि युद्ध करना ना करना क्या श्रेष्ठ, फिर कह रहे हो मुझे ज्ञान दीजिए, जो आप बोलेंगे वो करूंगा, और तीसरे वाक्य में कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, जाओ। ये क्या बात हुई, यानी कि एनालिसिस भी तू कर रहा है, बुद्धि भी तू लगा रहा है, सवाल भी तू पूछ रहा है, जवाब भी तू ही दे रहा है, ऐसी कमाल की डिस्कशन चल रही है। कोई किसी से कुछ पूछता नहीं, कोई कुछ चाहता नहीं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी मैं बार बार कहता हूं, ये भगवान है वो भगवान है, आपको कौन कह गया? वो जीवित थे तब 10 आदमी ने नहीं पहचाना, और अब करोड़ों लोगों को मालूम पड़ गया, अरबों लोगों को मालूम पड़ गया कि वो भगवान है, यही तो बेईमानी है, आपको कौन कह गया, आपको कैसे मालूम पड़ा? आपको भगवान के गुण क्या होते हैं, उनका मन क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है मालूम है? तो बेईमानी मत करो, कुछ फायदा नहीं होगा। पूछो तो पूछो, जानो तो जानो, ये तो हम सदियों से करते आ रहे हैं, और फिर जिसको देखो वो
हमें तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, है ना। ये तो किसी रोज कृष्ण का दिमाग खराब हो गया और प्रकट हो गया कि चलो मैं आ गया, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे पड़ोसी घर में जा, मैं छप्पन भोग नहीं खिला सकता। किसी को चाहिए? कैसी बातें करते हो? आप बोलेंगे चार आदमी खा नहीं पा रहे ढंग से और पांचवे को ले आए हम। किसी को नहीं चाहिए, सबको आशीर्वाद चाहिए, सबको वरदान चाहिए, है ना। किसको चाहिए भगवान? क्यों झूठ बोलते हो? क्या करोगे भगवान का? लो आ गए कृष्ण, क्या करोगे आप? वो तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, असमय मोह क्यों कर रहा है बालक। आप बोलेंगे महाराज जमाना बदल गया है। वो ही अर्जुन, आप फिर अर्जुन बन के उनसे डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। गलत प्रेमी मत पालना। तो जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, जो चाहिए वो बोलो। अगर पूछ रहे हो तो पूछो, चाहिए तो बोलो। ऐसी ऐसी बातें मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सन्यासी हो गया, मुझे मोह नहीं है। गलत गलत बातें मत करो। और सन्यास कोई बहुत ऊंची चीज है और शौक बड़ी खराब चीज है, किसने कह दिया? सवाल मानसिक दशा का है, सवाल मनोदशा का है, जो कृष्ण आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो हम यहीं पर इंटरवल लेते हैं और बस एक ही निवेदन करता हूं कि आप लोग सोचना कि जीवन में कभी अर्जुन की तरह नहीं पूछना, ईमानदारी पूरी होना चाहिए, नहीं तो मत पूछो। मत जाओ मंदिर, मत मानो किसी को भगवान, आप बच जाओगे, महान बन जाओगे। लेकिन ये जो गलत तरीके से गलत बात करेंगे, मन का असत्य और बाहर असत्य, तो असमय कुछ फायदा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, Concentration, Confusion, Power of Transformation, Joy and Success, Mind and Brain, Day Sleep, Natural Intelligence, Change Your Future, Ego, Non-Violence, Freedom, तथा Deep Talks Tao Te Ching के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओत्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम DVDs और CDs सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम DVDs और CDs आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते, ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है।
सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भुटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। The Story of Thomas Edison, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। Naughtiness to Greatness, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स, हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।